2020 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने आसानी से बहुमत की परीक्षा पास कर ली थी और सरकार भी चल रही थी, लेकिन इसके बाद महागठबंधन में वो शामिल हो गए और वहां भी कोई मुश्किल सामने नहीं आया। लेकिन इस बार आखिरकार ये संभावनाएं आशंका क्यों जताई जा रही है कि नीतीश के लिए राह आसान नहीं है। दरअसल जो मार्जिन है वो बहुत कम है और जीतन राम मांझी पर सारा दारोमदार मान कर चला जा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिला करके आसानी से जो मैजिक नंबर है उसे पा लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जेडीयू के कुछ विधायक या बीजेपी के विधायक एब्सटेन कर जाएं? ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं दिखता है क्योंकि उनके खिलाफ में व्हिप जारी होता है और ऐसे में उनकी सदस्यता जा सकती है, और ऐसा रिस्क क्या कोई विधायक लेगा ये कहना आसान नहीं है। ये भी बात सही है कि जीतनराम मांझी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं वो पासा पलट न दे, लेकिन उनके जाने के बावजूद ये जो एनडीए सरकार है इनके पास बहुमत का आंकड़ा आसानी से रहेगा क्योंकि एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है जो अभी मंत्री बन चुके हैं, सुमित कुमार सिंह। तो ऐसे में ये कहना कि राह आसान है या मुश्किल है, ये सब सारा दारोमदार इस पर डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार के विधायक उनके साथ इंटैक्ट हैं। अगर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है तो क्या उसको अपने साथ रखने की कवायद की जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक जो है उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, कई विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में भी हैं। तो क्या इसका फायदा एनडीए सरकार को हो सकता है? अगर ऐसी सूरत आई कि जेडीयू या बीजेपी के कुछ विधायक एब्सटेन करेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग के तौर पर भी ये विधायक इस पाले आ सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख को जिस दिन बहुमत साबित करने का दिन होगा उस दिन फ्लोर पर क्या कुछ होता है।